नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो फिर से मैं एक बार ले आया हूँ। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब वीडियोस आप लोग देखो, भले कोई वीडियो देखो ना देखो, लेकिन ये सब जो वीडियो मैं डालता हूँ इसको आप देखा करो, नहीं तो बाद में फिर आप फंसोगे, फिर मेरे पास आ जाओगे। हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल शूट माय स्टाइल पर। जैसा कि थंबनेल में आज आपने देख लिया होगा कि इसमें फोटो लगाया मनोज दे। मनोज दे एक यूट्यूबर है जिसके 5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, और दूसरा फोटो लगाया है नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो आज मैं कुछ मुद्दा इन्हीं चीजों पे बात करूंगा, मनोज दे और नरेंद्र मोदी की, और इसकी मझधार में जो बहता हुआ हमारा पॉइंट होगा वो होगा फ्रॉड। जी हाँ, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो फ्रॉड पर बेस्ड है कि फ्रॉड जिन लोगों के साथ होता है उनके किस तरीके का फ्रॉड उनके साथ हुआ होता है ये मैं आपको बताता हूँ, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर आगे देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ भी कभी इस तरीके का फ्रॉड हो जाए। आइदर आप यूट्यूबर हैं, बनने जा रहे हैं, या फिर आज नहीं भी हैं तो भी। तो आइए बात करते हैं। देखिए, जैसा कि मनोज दे ने अपने एक वीडियो में बताया कि एक छोटा सा यूट्यूबर, एक लेडी है जिसकी जो शायद घरों में काम करती है कुछ छोटा सा काम, और उसके भी मन में आया कि भाई चलो हम भी अपना एक YouTube चैनल बना लें, और YouTube चैनल बनाने के बाद मैं भी YouTube पर डालूं और उससे जो इनकम होगी उस इनकम से मैं अपने घर परिवार को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर पाऊंगी। अब उसके साथ बिल्कुल इसी तरीके का फ्रॉड हुआ, जैसा कि आप देखते हैं कि धानी के केसेस में फ्रॉड होता है, एस्कॉर्ट सर्विस का फ्रॉड होता है कि आपको एक सर्विस का लालच दिया जाता है, फिर आपसे उस सर्विस के अगेंस्ट में एक रकम मांगी जाती है 2,000-3,000। फिर उसके बाद जब आप वो फर्स्ट अमाउंट दे देते हैं तो फिर होता है कि भाई ये अमाउंट आपका किसी वजह से रोक दिया गया गवर्नमेंट ने, अब आपको 2,000 रुपए और देना पड़ेगा। जब आप अगला 2,000 रुपए और दे देंगे तो फिर 2,000 रुपए आपका रिटर्न हो जाएगा और आपका ये काम भी हो जाएगा। मतलब जैसे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे बात ये करूंगा कि साला दुनिया में इतने सारे फ्रॉड हो रहे हैं, इन फ्रॉड की जो क्षमता है वो बहुत बड़ी है, मतलब इनका स्कोप बहुत बड़ा है, इनकी टीम बहुत बड़ी है, इनकी नेटवर्किंग जो है वो बहुत तगड़ी है, इनके पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे अच्छे हैं, इनके पास मैन पावर बहुत अच्छी अच्छी है। क्योंकि फ्रॉड अगर हो रहे हैं और आज तक रुक नहीं रहे हैं तो इसका मतलब इनके पास सब कुछ चीजें मजबूत है, इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। और पैसे की मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुमान ऐसा है कि इनकी टीम में एक एक बंदा दिन का 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए भी कमाता है। जी हाँ, एक बंदा दिन का 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए भी कमाता है, और हो सकता है इससे ज्यादा भी कमाता हो। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जैसा मनोज दे के साथ एक होने वाले यूट्यूबर के पास इस तरीके का कॉल आता है और वो मनोज दे बनकर फोन करता है और अपना नंबर भी देता है कि इस पर आप पैसा डाल दीजिए, हम आपका चैनल मोनेटाइज करा देंगे। मोनेटाइज की वजह से वो लेडी उसको 2,000 रुपए देती है इनिशियली, फिर आगे फिर 2,000 रुपए देती है, फिर 2,000 देती है, क्योंकि वो किसी न किसी बहाने से मांगता रहता है। और ये लेडी सोचती है कि के बाद उनसे पूरा चैट होता है, मैं सारा चैट्स वगैरह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखिए, अब वो बोलता है कि आपका YouTube चैनल हम लोग व्यूज ला देंगे, मोनेटाइज करवा देंगे, इसके लिए कुछ पैसा लगेगा। शुरू में कितना लिया था आपसे? 2,000। पहले 2,000 लिया। शायद मेरा प्रोसेस जो है मोनेटाइजेशन का वो पूरा हो रहा है। इस तरीके से करते करते उससे 18-20 हज़ार रुपए ठग लिए जाते हैं। उसके बाद वो लेडी मनोज दे के चैनल पर पता लगता है कि मनोज दे कौन है, क्या है रियलिटी। फिर वो मनोज दे को मैसेज करती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो पता चलता है कि भाई साहब जिस बंदे ने कॉन्टेक्ट किया था उस बंदे ने मनोज दे, जी हाँ, जो यूट्यूबर है जिसके मोर देन 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसका नाम लेकर अपना एक अकाउंट खोला और उसके नाम से मैसेज उसको कर रहा था कि आप इस नंबर पर पैसा डाल दिए, हम आपका चैनल मोनेटाइज करा देंगे। तो मैं कहता हूं, कहां गई मोदी जी की सरकार, कहां गया मोदी जी का साइबर क्राइम, कहां गया मोदी जी का 1930, और कहां गया मोदी जी की इतनी बड़ी बड़ी बातें जो कहती है कि स्कैम को दुनिया से खत्म कर देंगे, और साथ में साइबर क्राइम की आपने अपने अगर किसी ने नहीं खोली तो साइबर क्राइम की वेबसाइट एक बार खोलिए। नरेंद्र मोदी जी का फोटो बड़े रुतबे के साथ ऐसे लगा हुआ है, और वहीं पर उनके एक जो चेले हैं उनका भी फोटो साइड में ऐसे लगा हुआ है। दोनों गुरु और चेले बिल्कुल तसल्ली से ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं जैसे कि धुआं छोड़ दिया है साइबर क्राइम पे, साइबर क्राइम की मां बहने कर दी है, अब लोगों के साथ फ्रॉड ही नहीं होता है। साला दुनिया में फ्रॉड इतने
इतने छोटे छोटे लेवल पे फ्रॉड हो रहा है, इतने मजाकिया स्टाइल में फ्रॉड हो रहा है, साला कोई देखने वाला नहीं है। फ्रॉड तो साला धनिया मिर्चा हो गया है, कहीं पर भी डाल दो, कहीं पर भी डाल दो। फ्रॉड आज की डेट में इतने सारे फ्रॉड, नंबर ऑफ फ्रॉड्स है, और वो इतने कैजुअल तरीके से हो जाते हैं कि कभी कभी सोच के लगता है कि ये भारत देश की सरकार ही तो नहीं करा रही है। अपने चुनावी षड्यंत्र को बनाकर रखने के लिए कहीं ये पैसा वहीं तो नहीं जा रहा है। अभी आपने सुना होगा एक बॉन्ड का भी बहुत ज्यादा एक इशू चल रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में मुझे अगर किसी चुनावी पार्टी को पैसे देने हैं तो मैं SBI में जाकर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदूंगा, चाहे वो 1,000, 2,000, 5,000, 1,00,000, 2,00,000 कितने का भी बॉन्ड खरीदूंगा, और फिर मैं चुनावी पार्टी को पैसे डोनेट कर सकता हूं। दिस इज द राइट नाउ रूल ऑफ इंडिया। आप जाकर किसी भी पार्टी के मतलब ऑफिस में जाकर आप कैश नहीं कर सकते, आपको डोनेशन देनी है। तो इसका यही प्रोसेस है कि आप SBI के ऑफिस जाइए, वहां से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदिए और फिर इनको डोनेट जितना चाहे आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुद्दा, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में खुद मोदी जी भरे पड़े हैं, पूरी तरीके से फंसे पड़े हैं, क्योंकि मुद्दे 4-5 बहुत गंभीर है। क्या? एक तो 12,000 से ऊपर, मान लीजिए 12,500 के आसपास, मतलब 12,500 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड का लफड़ा है, जिसमें से 50% मतलब 6,000 करोड़ रुपए केवल मोदी जी की सरकार में गए हैं। उसमें से जो कंपनियां हैं जिनका खुद की कमाई साल भर की 400 करोड़ है और वो डोनेशन दे रही है 500 करोड़, कोई कंपनी जिसके साल का ही कमाई 500 करोड़ है और वो डोनेशन दे रही है 1,386 करोड़, साला बवाल हो रहा है कि साला मजाक हो रहा है, साइबर क्राइम तो कठपुतली हो गया है, साला फुल्ली चुतियापा चल रहा है इस दुनिया के अंदर। आपको हमें एक आम आदमी को केवल चूतिया बनाने के अलावा, जी हाँ मैं चूतिया वर्ड इसलिए बोल रहा हूं कि चूतिया बनाने के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये सरकार जो मोदी सरकार है, मैं आज तक कभी नहीं बोलता था सरकार के लिए, क्योंकि इसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, लेकिन ऐसे अच्छे काम कराने का क्या फायदा कि साला एक गरीब आदमी मर रहा हो और उसको देखने वाला भी कोई ना हो। आप उस वीडियो को जाना, मनोज देव के चैनल पर जाना, अभी लेटेस्ट वीडियो डाला है मनोज देव ने, और मनोज देव खुद रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे इस वीडियो को आप जरूर देखना, चाहे मेरा कोई और वीडियो ना देखो चाहे ना देखो, क्योंकि मनोज देव का भी कंसर्न यही है कि आप मेरे कोई वीडियो देखो ना देखो बट आपके साथ कभी फ्रॉड ना हो, इसलिए आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब वीडियोस आप लोग देखो, भले कोई वीडियो देखो ना देखो, लेकिन ये सब जो वीडियो मैं डालता हूँ इसको आप देखा करो, नहीं तो बाद में फिर आप फंसोगे, फिर मेरे पास आ जाओगे। लोगों की, अब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ वो वर्ड, फट रही है, साला देखने वाला कोई नहीं है। सरकार अपनी तिजोरियों में पैसा भर रही है, इसलिए भैया प्लीज जिनके साथ फ्रॉड हो गया है थोड़ा सतर्क हो जाइए, जिनके साथ नहीं हुआ है वो उससे ज्यादा सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपके साथ कभी हो सकता है। ऐसा ना हो जाए कि मोदी जी की लुंगी बांध के भगवा वाली और आपके पिछवाड़े में कोई बम्बू डाल दे और आपको पता ना चले भगवा वाली धोती पहने घूमते रहे कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी, राम मंदिर का करवा दिया, राम मंदिर में इतना पैसा लग गया, गरीब आदमी आज भी सड़क पे बैठ के भीख मांग रहा है। अभी कुछ दिन बाद क्या होगा, उसी राम मंदिर के आगे आपको भीख मांग के लोग नजर आएंगे, तब बोलना मोदी जी की जय। साला फुल चुतियापा चल रहा है इंडिया के अंदर। खैर आज की वीडियो में इतना ही, आप सभी लोगों को ये वीडियो दिखाना और बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि फ्रॉड का एक ये नया पहलू है। अभी तक फ्रॉड बहुत सारे अलग पहलू में चलते थे, अब जो लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं उनके साथ भी अब फ्रॉड होगा और इसी तरीके से होगा। और आप देखना, ये कोई पहला केस नहीं है, मैं आपको दावा करता हूं इस बात का, इस तरह के बहुत सारे केसेस मार्केट में आने वाले हैं, अभी तो चंद शुरुआत हुई है। मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय नमस्कार। आपके अगर कमेंट्स कुछ करना चाहें तो मेरे इस वीडियो को जरूर करना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। 4,3200 सब लिए, कितना लिया टोटल? अभी टोटल 18,400 रुपया पैसा इन लोगों से वो बंदा ले चुका है अभी तक।